गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि उसका पाठ नंबर 1 भाषा और पाठ नंबर 2 वर्ण विचार उसका पुनरावर्तन करेंगे। प्यारे बच्चों, हम इस टॉपिक दोनों टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर सब हमने देख चुके हैं, आपको पीडीएफ भी उसकी सेंड कर दी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। तो भाषा वो हमारा एक हथियार है, इसके बिना हम अधूरे हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को दूसरों पर दे सकते हैं, दूसरे के विचार हम ले सकते हैं, यानी कि आदान प्रदान कर सकते हैं, हमारी बात समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। तो भाषा वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी साधन है, ठीक है। उसकी परिभाषा भी आपने देखी है, फिर भी मैं दोहरा देता हूं। आइए, दूसरे की बात को लिखकर, बोलकर, सुनकर या पढ़कर समझना भाषा कहलाता है। दूसरे की बात को हम लिखकर, बोलकर और सुनकर या पढ़कर समझते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। हर राज्य और देश की अपनी अपनी भाषा होती है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, ठीक है, हिंदी भाषा है। और हिंदी भाषा उसके भी भेद है, भाषा के भी दो प्रकार है, दो रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है। मौखिक भाषा को हम बोलकर या पढ़कर या कहानी या कथन आदि से सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। लिखित भाषा में हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पत्र आदि के द्वारा हम अपने भाव विचारों को प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के भाव विचारों को समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम आज उसका पुनरावर्तन करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, पाठ नंबर 1 भाषा और पाठ नंबर 2 वर्ण विचार दोनों को देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों, तो उसकी सबसे पहले प्यारे बच्चों हम उसकी एक्सरसाइज उसका रिवीजन करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत में बोली जाने वाली कितनी भाषाओं के नाम हम लिख सकते हैं? तो उत्तर, हिंदी, गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल, अंग्रेजी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, आप कौन कौन सी भाषा पढ़ और लिख सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये आप पर निर्भर है, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ भाषा के नाम, ठीक है। हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, अरेबी, ये भाषाएं जो है हम लिख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, आपके विद्यालय में कौन कौन सी भाषाएं सिखाई जाती है? तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही है, फिर भी हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर, हमारे विद्यालय में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, अरेबी भाषाएं सिखाई जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखी भाषाएं कौन से प्रदेश में बोली जाती है? भाषा के सामने प्रदेश का नाम लिखिए, प्रदेश यानी राज्य, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो हम उसके 2 भाग बनाएंगे, भाषा के नाम और प्रदेश। पंजाब, पंजाबी, ठीक है, पहली भाषा है पंजाबी, तो पंजाबी जाती है। तेलुगु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। मलयालम, केरल में बोली जाती है। बंगला, पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। मराठी, महाराष्ट्र में बोली जाती है। गुजराती, गुजरात में बोली जाती है।
उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है, तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। उदाहरण देखकर पांच ऐसे शब्द बनाइए जो स्वरों से आरंभ होते हो। स्वर से जिसकी शुरुआत होती हो, स्टार्टिंग होता हो, ऐसे शब्द हम बनाते हैं। देखिए उदाहरण दिया है ठीक है, अमर आज, तो आइए उसके शब्द स्वर से बनाते हैं। नंबर एक अनार, नंबर दो अदरक, नंबर तीन उल्लू, नंबर चार ऋषि और नंबर पांच ऐनक। ऐनक यानी चश्मा। नंबर दो, नीचे लिखी भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। तो आइए हम भाषा और उसकी लिपि के नाम लिखते हैं और जानते हैं और रिवीजन करते हैं उसका। नंबर एक हिंदी, देवनागरी लिपि। नंबर दो अंग्रेजी, लिपि रोमन। नंबर तीन गुजराती, लिपि देवनागरी। नंबर चार पंजाबी, लिपि गुरुमुखी। नंबर पांच बंगला, लिपि उसकी है बंगला। नंबर पांच, नंबर छह उर्दू, तो उसकी लिपि है फारसी। तो इस तरह से इन लिपियों को भी हम जान सकते हैं। आइए आगे देखिए। नंबर तीन, चित्र देखकर बिना मात्रा वाले शब्द लिखिए। तो आइए उसका रिवीजन करते हैं। चित्र को देखते जाएं और बिना मात्रा वाले शब्द याद करते जाएं। क कमल, ख प्याज, ग घर, ग नल, अंग महल, च चम्मच, छ कलम, ज बतख। तो इस तरह से हम बिना मात्रा वाले शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, प्यारे बच्चों, अब हम पाठ नंबर दो वर्ण विचार उसका पुनरावर्तन करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, फिर भी मैं दोहरा देता हूं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। ठीक है, वर्णों के दो भेद होते हैं, नंबर एक स्वर और नंबर दो व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जब दो भिन्न व्यंजन, पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर युक्त मिले तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो समान व्यंजन पहली बार स्वर के बिना दूसरी बार स्वर के साथ प्रयुक्त होने पर वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, स्वर रहित और स्वर युक्त र का प्रयोग अलग अलग ढंग से होता है। शब्द के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आइए उसके अभ्यास का रिवीजन करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर एक, नीचे लिखे रंगीन शब्दों में सही वर्ण पर मात्रा लगाइए। तो हम उसकी मात्रा लगाकर आंसर देखिए। नंबर क, दूध पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उत्तर, दूध पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ख, पेड़ पर चिड़िया ने घोंसला बनाया। उत्तर, पेड़ पर चिड़िया ने बनाया। ग, शहद के छत्ते पर सैकड़ों मक्खियां है। उत्तर, शहद के छत्ते पर सैकड़ों मक्खियां है। अंक पांच नंबर,
हमर घर बनकर तैयार हो गया, हमारा घर बनकर तैयार हो गया है। च, आज हम सबने मिलकर एक नाटक देखा। उत्तर, आज हम सबने मिलकर एक नाटक देखा। छ, अध्यापक कक्षा में नहीं आई। उत्तर, अध्यापिका कक्षा में नहीं आई। इस तरह से हम मात्राओं को लगाकर सही शब्द बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले प्रश्न का एक जो वाक्य है वो छूट गया था, उसे यहां पे हम दोहरा लेते हैं। ज, दिवाली पर माने बहुत सी मिठाइयां बनाई। उत्तर, दिवाली पर माने बहुत मिठाइयां बनाई। नंबर दो, खाली स्थान में की या की भरी है, तो यहां पे हमें की लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, हस्व की और दीर्घ की, ठीक है, छोटी छोटी और बड़ी कहां पे लगती है वो देखते जाइए। मेरी चचेरी बहन की शादी होने वाली है। माँ ने कहा हमें शादी की हर रस्म में शामिल होना है। पिताजी की नई नौकरी लगी है। वे बोले कि उन्हें क्षमा कर दिया जाए, वे संगीत की रस्म में नहीं जा पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस नाटक समारोह के अलावा शादी की हर एक रस्म में पूरे उत्साह से भाग लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उसमें की लगाकर पूरा जो अनुच्छेद है उसे पूर्ण कर सकते हैं। नंबर तीन, संयुक्त व्यंजन वाले दो दो शब्द लिखिए। संयुक्त यानी दो व्यंजनों का मिलना, ठीक है, यानी के दो में दो व्यंजन जो है उसका शब्द में आना, दोबारा आना। आइए देखते हैं। नंबर एक, श, उससे हम बनाएंगे क्षमा क्षत्रिय यक्ष। नंबर दो, त्र, त्रिशूल त्रिनेत्र। त्रिनेत्र यानी तीन आंखों वाला त्रिदेव। नंबर यज्ञ, ज्ञ से बनाते हैं ज्ञान विज्ञान विज्ञापन। नंबर चार, श्र, श्रम श्रमिक परिश्रम। तो इस तरह से हम इसे बना सकते देखते। आइए प्रश्न नंबर चार, द्वित्व व्यंजन वाले पांच शब्द लिखिए। तो लिखते हैं, उसे रिवीजन करेंगे। नंबर एक, कच्चा। नंबर दो, बिल्ली। नंबर तीन, मिट्टी। नंबर चार, पक्का। और नंबर पांच, लज्जा। इस तरह से हम द्वित्व व्यंजन वाले शब्द बहुत सारे बना सकते हैं। नंबर पांच, नीचे लिखे शब्दों में उचित स्थान पर र के सही रूप का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे हमें सही जगह पे र को यानी र की मात्रा लगानी है। जैसे देखिए, बम ब्रह्म। नंबर दो, पिय प्रिय। नंबर तीन, प्रसन्न प्रसन्न, ठीक है, मात्रा के रूप में लगा हुआ है प में। नंबर चार, टक ट्रक। नंबर पांच, धम धर्म। नंबर छ, हम मर्म। नंबर सात, मत्यु मृत्यु। नंबर आठ, कृष्ण कृष्ण। नंबर नौ, गह कार्य, तो उसका सही होगा कृ कार्य। नंबर दस, प्रश्न, तो उसका प्रश्न, ठीक है। आगे देखते हैं। नंबर छ, नीचे लिखे वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो हमें वर्णों को
जोड़ना है और उससे एक शब्द बनेगा। जैसे देखिए नंबर एक प प्लस य प्लस आ प्लस य प्लस अ, तो इसे ज्वाइंट करेंगे तो बनेगा प्यास। नंबर दो क प्लस य प्लस अ प्लस म प्लस आ, तो इसे बनेगा क्षमा। नंबर तीन न प्लस अ प्लस म प्लस र प्लस अ, तो इसे बनेगा नम्र। नंबर चार ज प्लस आ प्लस न प्लस अ, तो इसे बनेगा ज्ञान। नंबर पांच र प्लस आ प्लस म प्लस अ, राम। नंबर छ द प्लस ई प्लस अ प्लस क प्लस अ, दीपक। नंबर सात अंग प्लस क प्लस अंग, अंग प्लस क प्लस अ, यानी उससे बनेगा अंक। ठीक है, इस तरह से हम इन्हें शब्द बना सकते हैं। आइए नंबर आठ देखते हैं। ग प्लस अ प्लस र प्लस अ, घर। ठीक है, नंबर सात प्रश्न नंबर सात वर्ण विच्छेद कीजिए। तो हम इसे अब जिस तरह से शब्द दिए हैं उसका हम डिवाइडेशन करेंगे, उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं, उसे अलग अलग करेंगे। कोई भी शब्द के अंदर से हम यहाँ पे स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे, उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। आइए नंबर एक विज्ञान देखिए। व प्लस ई प्लस ज प्लस ज प्लस प्लस ज प्लस आ प्लस न प्लस अ, ठीक है, इस तरह से विज्ञान को हम विच्छेद करेंगे तो इस तरह के स्वर और व्यंजन हमें दिखाई देंगे। पाठशाला नंबर दो प प्लस आ प्लस ठ प्लस अ प्लस श प्लस आ प्लस ल प्लस आ, पाठशाला। उपवन उ प्लस प प्लस अ प्लस व प्लस न प्लस अ, उपवन। नंबर चार धैर्य ध प्लस ए प्लस य प्लस र प्लस अ, धैर्य। नंबर पांच अंकित अंग प्लस क प्लस ई प्लस त प्लस अ, अंकित। नंबर छ दीक्षा द प्लस ई प्लस क प्लस ग प्लस सॉरी नंबर छ दीक्षा द प्लस ई प्लस क प्लस श प्लस आ, दीक्षा। नंबर सात गांव ग प्लस आ प्लस व गांव। नंबर आठ श्रुति श प्लस र प्लस उ प्लस त प्लस ई, श्रुति। तो इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं और उसका विच्छेद कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हमने पाठ नंबर एक भाषा और पाठ नंबर दो वर्ण विचार उसका रिवीजन किया, पुनरावर्तन किया। आप इसे अच्छे से याद कर लें, ठीक है, और एग्जाम के लिए इसकी तैयारी भी रखें। और इस तरह से आज हम दोनों टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर पाए, पुनरावर्तन किया है। आप फिर भी आपको जो पहले ही ऑलरेडी इसकी दोनों पीडीएफ आपको सेंड कर दी गई है, उसमें देखकर भी आप तैयारी कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।